नमस्कार। एक और बड़ी अपडेट के साथ, हाल ही में यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम्स यहाँ पे लग चुका है स्टाफ नर्स का। इसमें कैंडिडेट में काफ़ी कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, जिसको लेकर शानदार वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिग स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यूपीपीएससी प्री में 29 से सिलेक्शन किस प्रकार होने वाला है। प्लस में यहाँ पे यूपीपीएससी जनरल और ओबीसी 35 मार्क्स दोनों कैंडिडेट को यहाँ पे चाहिए चाहिए। संविदा कर्मी को 15 नंबर एक्स्ट्रा किस हिसाब से मिलने वाले हैं। मेल फीमेल को का जो रेशियो है वो 85/34 और 85/29, ये किस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नर्सिंग से जुड़ी और सीएचओ से जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए। अब यहाँ पे हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि जो एग्ज़ाम्स यहाँ पे लगा है स्टाफ नर्स का, पुरुष और महिला दोनों का, वो भर्ती है, वो परीक्षा मंगलवार को हो गई थी। इस परीक्षा में टोटल है वो 79.51% अभ्यर्थी है वो शामिल हुए थे। एक पाली में सुबह इतने बजे से इतने बजे तक हुई थी। परीक्षा शांतिपूर्ण हो गई और यहाँ पे आप लोग आगे में देख पाएंगे कि जो प्रत्येक पर्सन है वो 0.5 अंक का था। जी हाँ, और जो 85 अंकों की इस परीक्षा में सफल होने वाले मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, और ये भी 85 अंकों की जो है वो एग्ज़ाम हुई है। यानी कि आपके जो मार्क्स जो आ रहे हैं, जितने भी आप लोग बता रहे हैं मैसेज करके, वो सारे मार्क्स हैं वो आपको 85 नंबर से ये मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। और जो मेरिट जो बनेगी कट ऑफ वो 100 में से बनाई जाएगी, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट है वो 100 मार्क्स में से बनेगी। और जो आपके मार्क्स आ रहे हैं अभी, जो 34 है, 36 है, 40 है, 50 है, 60 है, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो 85 नंबर में से आप सभी के हैं वो मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल और ओबीसी 35 मार्क्स, तो दोनों कैंडिडेट को यहाँ पे पासिंग के लिए 35 मार्क्स हैं वो लाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो एस सी वाले हैं वो 29 नंबर उनको सिलेक्शन के लिए चाहिए ही चाहिए, और जो ओबीसी और जनरल है उनको 35 नंबर यहाँ पे चाहिए। प्लस में जो संविदा कर्मी हैं उनको 15 नंबर हैं वो मिलने वाले हैं। 15 नंबर हैं वो किस हिसाब से मिलेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है 1 साल 2 साल और 3 साल, प्लस में जो इनका जो पासिंग क्राइटेरिया है, चाहे वो ओबीसी का हो, जनरल का हो, कैसे भी हो, संविदा कर्मी अगर उन्होंने अपना पासिंग मार्क जो क्राइटेरिया है वो अगर पूरा कर लिया है तो ही उनको ये मार्क्स हैं वो 15 नंबर मिलने वाले हैं, अन्यथा इनको 15 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो ये बात आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना है। उसके बाद कैंडिडेट है वो मैसेज करते हैं कि हमारा जो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आई है उसमें नाम नहीं है, तो वो हो सकता है कि इस प्रकार से आपका नाम हो, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी हैं उनके जो मार्क्स आएंगे वो आपका जो पासिंग जो एरिया रखा गया है उसको अगर आप लोग कवर करोगे, क्रॉस करोगे, तो ही आपके ये जो नंबर हैं एक्स्ट्रा वाले वो ऐड हो पाएंगे। तो आई थिंक जो कट ऑफ है वो आपको 2-4 दिन और रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को जो कट ऑफ है वो वीडियो मिल जाएगा देखने को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, सारी जानकारी हमने कवर कर ली है। तो आई थिंक सभी के लिए ये न्यूज़ है जो अपडेट है वो बिल्कुल नहीं रही है हमारे चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को बताई गई है। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।